हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, फाइनली मैंने उस आदमी का पता लगा ही लिया जिसकी तलाश आपको काफी टाइम से थी। कौन है वो आदमी? सर, डी आई का प्यादा है वो एक वेब हैकर है। मिशन क्या है उसका? उसका काम है आतंक फैलाने वाले लोगों को आपस में जोड़ना, देश में अलग अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट करवाना, दंगा करवाना, लोगों से जबरन वसूली करना और न जाने क्या क्या, हथियारों की तस्करी, लोगों को हायर करना। इसमें इंटरनेट वर्ल्ड उसे मदद करती है। यस सर। सर, हमने अपने हैकर्स लगा रखे हैं इनके वेब वर्ल्ड में घुसने के लिए, जो इनकी इल्लीगल हरकतों पे हमेशा नजर रख रहे हैं। और कौन है ये जो आई के लिए काम कर रहा है? अजिंक्य, अजिंक्य है उसका नाम, और वो एक वेब हैकर है। इस वक्त कहाँ है अजिंक्य? सर, वो इस वक्त मॉरिशियस से निकल गया है और कुछ देर बाद एयरवाडा की आफ्टरनून फ्लाइट से वो मुंबई वापस आ रहा है। सर, ये आदमी जिस डी आई ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उसका मिशन है देश को बर्बाद करना। देश के अलग अलग शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले, लाखों लोग बेमौत मारे जाएंगे, तबाही मचेगी देश में, तबाही, खून की नदियां बहेंगी। गाय के साथ महासंग्राम करने का वक्त आ गया है। थोड़ा आराम से चलाओ ना, ये नई एसयूवी तो हवा से बातें कर रही है। क्या मस्त स्पोर्टी लुक है, एकदम माचो, बिल्कुल आपकी तरह। बैठने में भी एकदम कंफर्टेबल है और इसके फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेडी, ये है महिंद्रा की नई KUV 100 नेक्स्ट। जिस आदमी का हमें इंतजार था वो लैंड कर चुका है। वो एयरपोर्ट से बाहर निकले उससे पहले हमारा एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। प्लान के मुताबिक सब सेट है ना? हाँ सर, जिस तरीके से वर्कआउट किया है हमारे साइबर विंग ने, हमारा प्लान फेल नहीं हो सकता। रेडी, देश को बचाने के लिए कुछ ही घंटों का समय बचा है हमारे पास। ये द आई ऑर्गेनाइजेशन का हैकर अजिंक्य इस बार हमारे हाथ से बच गया तो तबाही मच जाएगी, देश तबाह हो जाएगा। जाने कितने शहरों में हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, बॉम्ब से उड़ा देगा ये अजिंक्य। दुनिया का कोई भी ऐसा गलत काम नहीं बचा हुआ है जो ये आई गैंग ने ना किया हो। सुपारी लेके खून करना, अपहरण, लूटपाट, बॉम्ब ब्लास्ट, देश में आतंक फैलाना, हथियारों की तस्करी और भी ना जाने क्या क्या। इस आई गैंग के मेंबर्स में गैंग के मुखिया का इतना खौफ है कि वो पकड़ा जाने से पहले ही या पकड़े जाने के बाद अपने आप को खत्म कर देता है। पिछले 3 महीने से वेब ट्रेल से पीछा करने के बाद अब जाकर ये अजिंक्य हमारे चुंगल में फंसेगा। सर, एक बार ये अजिंक्य हमारे हाथ लग जाएगा ना, तो द आई ऑर्गेनाइजेशन का चीफ भी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, और वही हमें उस तक पहुंचाएगा। और उसकी गाड़ी, हमारे अलावा और कौन पीछा कर रहा है इस अजिंक्य का? फिर एक काम करो, लोकल कॉप्स को फोन करके अलर्ट कर दो कि आगे चौकन्ना रहे। अगर अजिंक्य ने अपना रास्ता बदल दिया तो ड्राइवर गाड़ी वहीं लेके जाएगा
जहाँ पे उसे कहा गया है। एक काम करते हैं, आगे चल के देखते हैं ये लोग है कौन। हो सकता है आई के सिक्योरिटी वाले हो, अजिंक्य की सिक्योरिटी के लिए भेजे गए हैं। ये कौन से रूट से जा रहे हैं हम? सर घबराइए नहीं, ये सीधा रास्ता है, उस तरफ फ्लाईओवर पे बहुत ट्रैफिक मिलता है। हाँ सर, गाड़ी मंगलवाड़ी की तरफ जा रही है सर, हम लोग पीछे ही हैं। आप लोग सर आगे से ही अटैक करें। ये लोग कौन है जो अजिंक्य को मारना चाहते हैं? गन नीचे। श्रेया तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर मैं ड्यूटी पर हूँ। ड्यूटी? कैसी ड्यूटी? सर हम सब आईबी से हैं। काफी वक्त से इस आदमी का पीछा कर रहे हैं। सर ये द आई की गैंग का बहुत खास आदमी है। ठीक है, बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले इस अजिंक्य को ब्यूरो ले चलते हैं। सीआईडी छोड़ने के बाद आप सबसे पहली बार मिल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी अच्छा लग रहा है श्रेया। हमारे साथ काम करने वाली एक ऑफिसर का आईबी में प्रमोशन हो गया है। श्रेया, इस इंटेलिजेंस ब्यूरो टीम के तुम लीडर हो? यस सर, हमारी टीम उन लोगों पर नजर रखती है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को सुपारी देते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, मिनिस्टर्स और बड़ी हस्तियों को मारने के लिए। सर ये मेरी टीम है, अबीर, जतिन और माया। सर हमारी टीम को अल्फा 10 का नाम दिया गया है। देश की सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। वाकई श्रेया तुम पर बहुत गर्व होता है, तुम इतना जबरदस्त काम कर रही हो। वैसे हमारा दोनों का मिशन भी एक ही तो है, साथ में मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। एब्सोल्युटली सर, आई की गैंग को पकड़ने में और इनसे सारी जानकारी हासिल करने में हम साथ काम करेंगे। सर मैं जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, हमारे पास वक्त ज्यादा है नहीं। मगर प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना? लेकिन इस तरह के मामलों में प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। तो फिर चलो देखते हैं अजिंक्य अपना मुंह कितना खोलता है। समय बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा श्रेया, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सर, मैं आपको आप सबको बहुत मिस करती हूँ। मैं जानता हूं मुझे यहां क्यों लाया गया। अगर जानते हो तो मुंह क्यों नहीं खोलते? मुंह खोलना आसान नहीं है। मुंह तो खोलना ही पड़ेगा, अब चाहे प्यार से मुंह खोल लो या फिर। ऑर्गेनाइजेशन का मुझे अभी तो कोई प्लान नहीं मिला, बॉम्ब कहां फिट करना है वो मुझे नहीं पता।
तो फिर जो भी तुम्हें पता है वो हमें बता दो। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बता सकता। बताना तो पड़ेगा ही अजिंक्य, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। मैंने तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुम काम करते हो दाए, वो दुनिया के सारे काले धंधे करती है। वेब ऑपरेशन, मनी ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ड्रग डीलिंग, बॉम्ब ब्लास्ट, हाँ, पर इस सब में तुम शामिल हो। हमारे पास सबूत है। सिर्फ 36 साल के हो और सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे अगर नहीं बताया तो। यहां से बाहर निकलने का तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। क्या? द आई। इस गैंग का मेन कौन है और कहां से ऑपरेट करता है? अगर बताना चाहो तो बता दो, वरना मैं दो बातें बोलना चाहूंगा। आई यानी कि आंख, आंख में लेंस भी होता है, व्यू फाइंडर, की होल यानी कि जहां जहां कैमरा वहां वहां दिया है। यानी कि यहां पर भी कैमरे हैं और आए भी हैं। मुझे सुन सकती है आए? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? नाटक बंद कर, समझा? मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। आई यही, मेरा आई के लिए एक मैसेज है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरे तीनों आदमी जो आई के बारे में सब कुछ जानते हैं वो सारी दुनिया के सामने उसका सच लाके रख देंगे। सुना तुमने? सुन रहे हो तुम? द लायन विल रोर, शेर दहाड़ेगा। बकवास बंद करो। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं, ये याद रखना। द लायन विल रोर, शेर दहाड़ेगा और तुम सबको अपने साथ ले जाएगा। क्या बोला तुमने? हम सबको लेके जाएगा, सबको लेके जाएगा। हम घबराओ नहीं, सीआईडी तुम्हें नहीं मारेगी क्योंकि तुम आई के हैकर हो। आई के हैकर जानता हूं मैं, पता है मुझे। तुम जानते बहुत कुछ हो पर इन लोगों को नहीं जानते शायद। ये लोग आईबी से, अल्फा 10। इन लोगों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हें किसने मारा। तुम लोग मुझे मार डालोगे? नहीं, हम नहीं, ये लोग नहीं। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग उन तीन लोगों को ढूंढ लो, दी आई के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। द लायन विल रोर, शेर दहाड़ेगा। कौन है वो तीन लोग? ऐसे नहीं, अगर मैंने उन तीन लोगों के बारे में तुम लोगों को बता दिया तो मैं तो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहूंगा। एक डील करते हैं, मुझे पैसा चाहिए 20 करोड़ और एक प्राइवेट प्लेन देश से बाहर जाने के लिए। उसके बाद मैं तुम्हें उन तीन लोगों का नाम बता दूंगा। ठीक है, तुम्हारी इस डील के बारे में हम सोच लेंगे।
मगर उससे पहले हम तुम्हें हमारी एक सुरक्षित जगह में पहुंचा देंगे जहां पर तुम्हारा आई भी नहीं पहुंच सकता। रेडी पंकज, ले जाओ इसे। इस अजिंक्य के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, देखो कहां कहां जाता था, किस किस से मिलता था। उसी से हमें पता चलेगा उसके दोस्तों के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। अच्छी तरह से पूछताछ करो, जरूर उन तीन लोगों के बारे में जो ये जिक्र कर रहा था ना, उनके बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। इसकी पूरी की पूरी कुंडली निकालो। सर, सालों के साहब को 2 दिन लगेंगे इस ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए मटेरियल का पता लगाने में। समझ में नहीं आ रहा सर, बम कब और कहां रखा था? सर, सालों के साहब उसके बारे में भी रिसर्च कर रहे। पता नहीं सर, श्रेया ने गाड़ी में बैठने की जिद क्यों की। सर, अजिंक्य मेरे साथ मेरी गाड़ी में होगा, ठीक है ना? ठीक है, तो हम भी उसी गाड़ी में चलेंगे। नहीं नहीं सर, आप लोग दूसरी गाड़ी में भी आ सकते हैं। श्रेया, सिक्योरिटी के हिसाब से ये सही रहेगा कि हम लोग भी तुम्हारी गाड़ी में ही रहें। सर, सिक्योरिटी के लिए तो मेरी टीम होगी और आप लोग भी तो होंगे पीछे पीछे। ठीक है ठीक है, लेकिन श्रेया एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये अजिंक्य द आय का आदमी है और आय वाले कभी क्या कर दें कुछ कह नहीं सकते। सर, सर अजिंक्य के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चेक की, मोबाइल रिकॉर्ड और लैपटॉप रिकॉर्ड से पता चला है कि अजिंक्य के परिवार में कोई नहीं था, सिर्फ उसके एम्प्लॉयज जो कॉम्फिस कंपनी में काम करते थे और एक लड़की जिससे वो अक्सर मिला करता था। कौन है वो लड़की? निशा। मुझे पता ही था कि कुछ तो बात जरूर है, मेरे लाख पूछने के बावजूद भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या अजिंक्य कुछ छुपा रहा था तुमसे? पता नहीं सर, मैं उसकी गर्लफ्रेंड होती तो मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, पर उसका चेहरा देख के समझ जाती थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मतलब क्या तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि
उसके बर्ताव में कुछ बदलाव आया है। क्या तुमने कुछ देखा, कुछ सुना? सर, थोड़ा अजीब बिहेव करता था, बहुत डरा हुआ रहता था, चेहरे पे तनाव रहता था। तनाव? किस तरह का तनाव? मेरा मतलब है, कोई उसे धमकी दे रहा था या किसी बात से डरा हुआ था वो? किसी बात का तो कोई जिक्र नहीं किया कभी उसने, पर कुछ ना कुछ बात जरूर थी। ऐसे लगता था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। तुम्हें पता है जी, क्या टर्की वाले ट्रिप में मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया, और इतना मजा आया ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं स्वर्ग में हूँ। अजिंक्य, तुम सुनते रहो। अजिंक्य, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो अजिंक्य? इज एवरीथिंग ओके? I'm sorry, निशा, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। मतलब क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ। अजिंक्य, अजिंक्य सुनो तो सही। अच्छा, कुछ नहीं, ऐसे ही। निशा, अजिंक्य के फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला कि पिछले महीने में 5 दिन तक उसका फोन गोवा में ट्रेस हुआ था। क्या इसके बारे में कुछ बता सकती हो तुम? हाँ सर, मैं थी उसके साथ साउथ गोवा में, घूमने गए थे हम। पहले दिन तो बहुत बेचैन था वो, पर 2 दिन बाद वो बहुत खुश होने लगा, कहने लगा अब सब ठीक हो जाएगा। फिर सर उसने कहा कि वो 3-4 घंटे में वापस आएगा, और फिर वो चला गया। और वो वापस कितनी देर में आया? करीबन 4-5 घंटे में। फिर उन 4-5 घंटों में वो कहाँ गया था, क्या करके आया, कुछ बताया होगा ना तुमने? कुछ नहीं बताया सर, कुछ नहीं बताया। मैंने कितनी बार पूछा, और मुंबई आते मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। पागल हो गई थी मैं उसके बर्ताव से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। साउथ गोवा 4-5 घंटे, पता लगाना पड़ेगा उन 4-5 घंटों में ये अजिंक्य गया कहां था, किया क्या उसने, जो उसका सारा का सारा डर गायब हो गया। सर, ये अजिंक्य 5 दिन के लिए गोवा में था, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक एनके रिसोर्ट में, और रिसोर्ट से सिर्फ 2 दिन के लिए वो बाहर निकला है, 4 दिसंबर को और 5 दिसंबर को। 4 दिसंबर को विलियम हाउस में गया, और 5 दिसंबर को न्यू मार्केट में। और विलियम हाउस में तो सर बहुत सारे इवेंट और फंक्शन होते रहते हैं। 4 दिसंबर को वहाँ पे नेशनल क्राइसिस सेमिनार भी था। नेशनल क्राइसिस सेमिनार? वो वहाँ क्या करने गया था, उसका क्या काम? उसका तो कुछ लेना देना नहीं है सर। वही तो, नेशनल क्राइसिस सेमिनार। सर, सर 5 दिसंबर को अजिंक्य ने 36,000 का पेमेंट किया। 36,000 का पेमेंट किसे किया? सर, जो टैटू स्टूडियो न्यू मार्केट में, और ये ट्रांजैक्शन 12:30 पर हुआ है। न्यू मार्केट में जोज टैटू स्टूडियो। एक काम करो पूर्वी, उस नेशनल क्राइसिस सेमिनार में जितने भी लोग आए थे उन सबकी लिस्ट बनाओ। और दया, सर हम दोनों इस जो टैटू स्टूडियो में जाकर आते हैं न्यू मार्केट। गौर से देखो इस आदमी को, ये आदमी तुम्हारे पास 5 दिसंबर को आया था स्टूडियो में, 36,000 रुपए का बिल पेमेंट करके गया है वो। इस आदमी को कोई कैसे भूल सकता है सर? क्यों? ये आदमी एक नंबर का हटेला था, 3 लोगों को लाया था अपने साथ, तो बोला कि इन तीनों के शरीर पर 3 अलग अलग शेरों के चेहरे बनाओ। 3 अलग अलग शेरों के चेहरे? उनका पता ठिकाना है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है कहाँ रहते हैं, उनका कोई फोन नंबर या मोबाइल नंबर? नो सर, ये तो मालूम नहीं, लेकिन उन तीनों के फोटोज उनके टैटू के साथ मेरे पास हैं। अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। दिखाओ, आइए। समीर, ये देखिए सर, ये पहला,
ये दूसरा और ये तीसरा। दया, गुर्राता हुआ शेर। The lion will roar। शेर दहाड़ेगा। सर लगता है इस अजिंक्य को शेरों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। ब्यूरो में भी गुर्राते हुए शेर का जिक्र किया था उसने, तो कहीं ये शेर कोई कोर तो नहीं सर? हो सकता है दया, बिल्कुल हो सकता है। गुर्राता हुआ शेर, जरूर कुछ ना कुछ तो खास बात है इस गुर्राते हुए शेर में। एक काम करते हैं, इन तीनों के फोटोग्राफ ब्यूरो में भेज देते हैं, पता लगवाते हैं क्या ये तीनों भी उस वक्त उस सेमिनार में थे जिस वक्त अजिंक्य वहां पे था। हाँ सर, ओके ओके सर। दया सर ने तीन फोटोज भेजे, सेमिनार में जितने भी लोग आए थे उस लिस्ट से मैच करनी है। ये तीनों उस दिन उस सेमिनार में थे। अशोक सीनियर जर्नलिस्ट द इंडियन मेल, मदन सोशल एक्टिविस्ट और ईशान टीवी शो होस्ट। अच्छा, एक काम करो पूर्वी, पता लगाओ कि इस वक्त ये तीनों कहां पर है। ठीक है सर। तेरे को तो पता होगा ही सर इस गुर्राते हुए शेर का क्या रस है। बिल्कुल दया, लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनकी जान को खतरा है। ईसाई ने अजिंक्य को तो साफ कर दिया, अब इन तीनों की बारी है दया। किसी भी हालत में इन तीनों को बचाना होगा हमें। हेलो, अशोक से बात कराएंगे क्या? कहाँ गया है? ईशान ऑफिस में नहीं है? ऑफिस आया था या नहीं? कब से घर नहीं आया? मतलब कोई फोन वगैरह किया उसने? हाँ सर, सर अशोक की लास्ट लोकेशन आरे रोड पे ट्रेस हुई है। आप में से किसी को मालूम है कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? हाँ मैम, हम लोग इधर से जा रहे थे, उधर से बड़ा ट्रक आया और इसको उड़ा दिया। ये जानबूझ के टक्कर मारी इसे? हाँ सर, जानबूझ के टक्कर मारी, और उसमें से बाद में दो काले आदमी निकले और इसके कपड़े फाड़ के कुछ ढूंढ रहे थे मोबाइल का टार चार्ज करके। ये कपड़े फाड़ के क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था ये? रवि सर, पूर्वी, ये देखिए, शर्ट फाड़ के ये लायन का टैटू देख रहे। हेलो, हाँ बोल रही हूँ, क्या मर गया? कहाँ पर? गोली तो मारी है, ऊपर से शर्ट भी फाड़ा है, ऐसा क्या है इस टैटू में? सर मदन की डेड बॉडी मिली है, मतलब ईशान को ढूंढना पड़ेगा। सर ईशान जी के मोबाइल का आखिरी लोकेशन इसी बिल्डिंग में है सर, और वो अभी भी यहीं है। ईशान, पंकज एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। हॉस्पिटल जाते जाते बहुत देर हो जाएगी सर, मैं आप लोगों को इस टैटू और ये आई की लोकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता। क्या लेना देना इस टैटू का आई के साथ हैं? ये टैटू सर, हम लोग देश की भलाई के लिए ये आई के खिलाफ लड़ रहे थे। अजिंक्य ने हमें बोला था कि अगर उसे कुछ हो जाए
तो हम लोग एसटर सिक्योरिटी के पास जाकर दीआई के बारे में सब कुछ बता दें। सब कुछ क्या? क्या सब कुछ? दीआई के बारे में जानना है तो टैटू को क्रैक करना होगा। टॉप द आई। ईशान, ईशान, ईशान। सर ये क्या हो रहा है सर? जैसे ही हमें इन तीनों के बारे में मालूम पड़ा, इन्हें लोग मारने लग गए। इसका मतलब यही हम पे भी नजर रखे हुए है। रवि जी, ऐसा क्या कोड हो सकता है जो अजिंक्य ने आय के बारे में इस टैटू में छुपा रखा है? सर कोड भी ऐसा है जिससे किसी को शक ही ना। दया, अभिजीत, ये देखा, इन तीनों शेरों में एक चीज अलग है, इन टैटूज में। कैसा? ये तीनों शेरों के बाल देखो, बाल अलग अलग है। हाँ सर। और सर, जहां पे एक्सीडेंट हुआ था वहां के लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग अशोक के शरीर पे कुछ ढूंढ रहे थे, और उसमें से बाद में दो काले आदमी निकले और इसके कपड़े फाड़ के कुछ ढूंढ रहे थे मोबाइल का टार्च ऑन करके। जरूर वो लोग अशोक के टैटू को पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मोबाइल के व्हाइट टॉर्च लाइट से ऐसा क्या देखने की कोशिश कर रहे थे? अजिंक्य ने सोच समझ के टैटूज बनवाए हैं सर। राय का कुछ तो राज छुपा है इन टैटूज में। इस अजिंक्य के कॉम्प विज कंपनी की क्रिएटिव टीम को बुला लो। अजिंक्य ब्रिलियंट था, अगर अपनी इच्छाओं के लिए महत्वाकांक्षी भी था। एक बात बताओ, क्या अजिंक्य ने ऐसा कोई ऐप बनाया था जिसका कोड ड्राइंग की तरह? नहीं सर, उसने ऐसा कोई ऐप नहीं बनाया था, बल्कि उसने कुछ हटकर बनाया था। हटके बनाया था? मतलब क्या बनाया था? सर उसने ऑडियो वेव फॉर्म्स बनाई थी जो साउंड वेव को टैटूज में कन्वर्ट करती है। कुछ ऐसे बताइए ना जो हमें भी समझ में आए। सर उसने एक स्किन मोशन ऐप बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे की आवाज को रिकॉर्ड करके अगर उसे कन्वर्ट किया जाए तो वो साउंड वेव टैटू बन जाता है। तो मतलब साउंड की तरह प्ले होता है। यस सर। अब आप लोग किसी की बातचीत का टैटू बना सकते हो? यस सर। अब मैं आपको समझाता हूँ। जब अजिंक्या ने ये ऐप बनाया था, ठीक उसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया था, तो उस वक्त को यादगार बनाने के लिए अजिंक्या ने ये ऑडियो वेव टैटू बनाया था। आई लव यू राहुल, विल यू मैरी मी? मतलब अभिजीत, ये शेरों के जो बाल है ना, वो साउंड वेव हैं। हमें ये ऐप चाहिए। कमाल है, अपनी नौकरी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाशों से कुछ पता करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। का असली नाम है बर्बोसा। बर्बोसा 41 सल्फरा हिल्स। 41 सल्फरा हिल्स। लॉन्जिट्यूड 72.872696, लैटिट्यूड 19.115492। इसे नाम के साथ साथ ये लोकेशन भी बता रहा है। आ गया। बस अब कुछ भी करेंगे लेकिन इस जगह को ढूंढ कर निकालेंगे। अगर यही वो जगह है जो कोड में बताई गई है तो कोई ना कोई तो होना चाहिए था यहाँ पे, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है।
सन्नाटा है, अड्डा तो यही है यार, मैंने कई बार कंफर्म किया है। चलो फैल जाते हैं, चौकन्ना रहना। फ्रेडी तुम लोग इस तरफ। आप लोग जाइए सर, मैं देखता मिला बरबोजा? सर अभी तक तो नहीं मिला। नहीं, यही कहीं होना चाहिए वो। एक काम करो, तुम यहां देखो, मैं ऊपर देखता हूं। उठो उठो, क्या हुआ? क्या हो गया फ्रेडी? तुम ठीक हो? सर क्या हुआ? सर बारूद है यहाँ पे। बारूद? माय गॉड, बारूद है सर। संभालो बच्चा सर। ओह नो, माइंस माइंस बिचार रखी है सर। माइंस, ओह माय गॉड, गोली चला रहा। क्या हुआ? तुम तो अजिंक्य के साथ ब्लास्ट में। तुमने गोली चलाई दया पर? क्यों श्रेया, तुम आय के लिए काम करती हो ना? तुम आय की असासिन हो। करना पड़ा सर, आप लोगों को शेर के टैटू का कोड क्रैक नहीं करना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था। तब तुम क्या करोगी? बताओ क्या करोगी तुम? जरूरत पड़ी
तो सबको मार दूंगी। पूर्वी यहाँ जाओ। श्रेया। यहाँ जाओ पूर्वी। श्रेया, बेवकूफी मत करना। बारबोसा तक पहुँचने के लिए आप सबको मुझसे गुजरना होगा। बारबोसा को तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। श्रेया, श्रेया! तुम्हारा खेल खत्म। हो गया, मिल लिए। फैमिली रियूनियन चले, ले जाने के लिए तो आए हम लोग। अभी क्या है कि टाइम है मेरे पास, 5 बजे फ्लाइट मेरी। सोचा कि हिंदुस्तान आया हूं तो तुम लोगों का जो ब्यूरो है वो दिखा दो एक बार। अब हिंदुस्तान छोड़कर जाने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें बारबोसा। really? हमारी जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना पड़ेगा तुम्हें। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.